है, करते हैं अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ट्रेड का चौका अमोल जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे मैं कॉन्ट्रा बेट ले, लेना चाहूंगा बट लार्जली फोकस इंडेक्स स्टॉक के ऊपर ही है कि ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की बेट है तो मैं टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा थ्री सेवन सिक्स जीरो के आसपास है पोजिशनरी टार्गेट्स निकल कर थ्री नाइन जीरो जीरो थ्री नाइन फाइव जीरो के आसपास और स्टॉप लॉस उसका रहेगा थ्री सिक्स सेवन जीरो एक बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में टू हंड्रेड डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है काफी ओवरसोल्ड अगर मार्केट बाउंस बैक होता है तो आने वाले दिनों में आई एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है दूसरा मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहूंगा जो एफ एम सीटी इंडेक्स में जो ट्रेंड दिख रहा है बाइंग वो काफी इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंग भी है तो मैं ब्रिटानिया के साथ जाना चाहूंगा फाइव फाइव जीरो जीरो के आसपास और टारगेट उसके पोजिशनरी निकल के आ रहे हैं फाइव सेवन सेवन फाइव और फाइव एट जीरो जीरो और स्टॉप लॉस उसका रहेगा फाइव थ्री फोर नाइन थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है बट मैं कहना चाहूंगा कि ओवरऑल मार्केट टेक्सचर बोला है तो दोनों स्टॉक में अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें ठीक है तो अमोल जी की तरफ से दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय एक है एफएमसीजी सेक्टर से जो आज सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और उनका मानना है कि ट्रेंड के साथ जाना चाहते हैं तो ब्रिटानिया पर खरीदारी की राय और टीसीएस पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी है रवि जी आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे रवि जी आप जी, हाँ. जी 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 क्षमा करें जी, 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 जी मैंने देखिए आशीषा जी इस समय जो स्टॉक्स चूज किए ना मैंने नए स्टॉक्स बोला ना मैं बिल्कुल नहीं खरीदूंगा क्योंकि नए स्टॉक्स की तरफ आप जाओगे तो आप पुराने स्टॉक्स में एवरेज नहीं कर पाओगे और आपका एवरेज अच्छा नहीं होगा तो ट्रेड के चौके में छक्का मारने के लिए आपको पहला स्टॉक देता हूं वो है बैंक ऑफ बड़ौदा दमदार स्टॉक है दो सौ पे तिरपन या पचपन आपको मिल रहा होगा बिल्कुल खरीदारी करिए टारगेट है 296 रुपए का स्टॉप लॉस अगर देखते हैं इमीडिएट टारगेट 275 लॉन्ग टर्म में हिसाब से देखते हैं तो 296 का और स्टॉप लॉस 247 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है कि आपको यहां पर पकड़ना चाहिए दूसरा एक स्टॉक है पीटीसी जिसमें पीएसयूज पे अच्छी खासी पिटाई हुई और आपके पास पहले भी होगा हो सकता है आपको आज 220 का हो यहां पर 189, 180 180, के के आसपास चल चल रहा 180, 190 के पास चल रहा है, है 190 पास एवरेज कर लीजिए आपका एवरेज दो सौ जाएगा और टारगेट अभी इमीजिएट टारगेट दो सौ का ही दिखाई दे रहा है और स्टॉप लॉस सिर्फ पांच चार रुपए का बन रहा है तो मुझे लगता है ये दो स्टॉक्स को ही पकड़िए कल तक ही आपके एवरेज भाव से ऊपर भी आ जाएंगे तो पोर्टफोलियो भी चमकेगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को ही यहाँ पर वॉच पे लगाएं और उन्हीं पे ट्रेड करें ठीक है तो रवि जी ने बैंक ऑफ बड़ोडा पर खरीदारी की राय दी है पीएसयू स्टॉक्स में कच कल अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखी थी और उस पर टू सेवेंटी फाइव रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है और पीसी पीटीसी इंडिया पर भी खरीदारी की राय दो सौ रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य आगे बढ़ते हैं और टेलीकॉम स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं वोडाफोन आइडिया भारतीय एयरटेल Uh, में आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी है पिछले पाँच साल का ट्रेंड देखें तो इलेक्शन के बाद टेलीकॉम प्राइसेस बढ़ते हैं जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज काफ़ी एक्शन है वोडाफोन आइडिया में तो करीब तेरह परसेंट की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है एनालिस्ट uh, का मानना है कि पंद्रह से बीस परसेंट के टैरिफ uh, हाइक्स हो सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर में जो पूरे सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे

आपको ढाई परसेंट ती, लगभग तीन परसेंट की तेजी देखने को मिल रही है तो फ्रेश बाय मत करिए लेकिन पचास का टारगेट आपको दिख सकता है अगर एक दो दिन में कुछ करेक्शन दिखेगा तो आप वहां पर ले सकते हैं लेकिन अभी करंट लेवल से बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है अब वोडाफोन की बात कर लेते हैं देखिए इस समय वोडाफोन को अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंद्रह रुपए ये वाजिब भाव आपको नहीं है जिसपे कि आपको बाय करना चाहिए लेकिन होल्डिंग जिनके पास है उनको सत्रह साढ़े सत्रह तक के भाव देखने को मिल सकते हैं लेकिन रिस्क क्या है कि ये वापिस रुपए अस्सी पैसे रुपए तक भी जा सकता है तो अगर बाय डिप पे हो तो ज्यादा अच्छा है करंट लेवल पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर है आपको लगता है कि नहीं मैं सत्रह भी देख सकता हूँ चौदह आएगा और खरीद लूंगा तो खरीदारी कर लीजिए तो मुझे लगता है सत्रह के टारगेट यहाँ पर जल्द देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये है इन स्टॉक्स पर राय अमोल मैं आपके पास आना चाहूंगा और इस चर्चा की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी कि जो मार्केट में करेक्शन आता है वो आम इन्वेस्टर के लिए एक मौका भी होता है उन स्टॉक्स में एंट्री करने का ऐसे स्टॉक्स जो शायद एक लंबे वक्त से उसके रडार पे हैं लेकिन अब उसकी रेंज से बाहर चले गए हैं और तीन स्टॉक का इसमें मैं तौर पे जिक्र करूंगा जिसकी गाय बगा चर्चा होती रहती है एक तो आर दूसरा पी और तीसरा है एन अब तीनों को अगर आज हम देखें ख़ासतौर पे अगर आर को देखें तो जिस तरह से आज ट्रेंड्स इसने दिखाए हालांकि हम एक दबाव ज़रूर देख रहे हैं लेकिन वो दबाव बहुत ज़्यादा चिंताजनक फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है पीएफसी को देखिए तो पी में रिकवरी नज़र आई है और ये आगे की ओर जाहिर सी बात है किन संकेतों के साथ हमें इसे देखना होगा ये बड़ा मायने रखता है और तीसरा स्टॉक एनटीपीसी फिलहाल डेढ़ परसेंट ऊपर अमूल बताएं क्या किसी खास रणनीति के तहत इन स्टॉक्स में आगे जाया जा सकता है आई थिंक अगर हम ब्रॉडली देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक शार्प रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी थोड़ा वेट कि, वेट किया जाए उसमें कॉन्ट्रा बाय मैं अभी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बॉटम प्रोसेस अभी चालू हुआ नहीं है

अगर हम एनटीपीसी का देखें तो अराउंड 308 के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आता है वहां पे अगर किसी को देखना है तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है आरईसी में अगर हम देखते हैं तो आरईसी का भी 200 हंड्रेड डे अराउंड फोर के आसपास आ रहा है वहां पे अगर आप देख सकते हैं और अगर हम पी के बारे में देखते हैं तो आई थिंक एक इमीजिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है जो 380 और 360 पे पिछला करेक्शन स्टॉक का खत्म हुआ था तो और फ्रेशअप ट्रेंड रैली आई थी तो स्ट्रैटेजी यही रहेगी थोड़ा सा वेट कर सकते, पूरा तो के बाद आप रहे पी एफ सी हो, हो बेहतर स्टॉक का लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें आपको वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी और तौर पे जिन लेवल्स का अमूल ने जिक्र किया उन लेवल्स पे आपको एंट्री की गुंजाइश बन सकती है उसका ध्यान रखिए चलिए और हमारे साथ इस वक्त अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जी जुड़ चुके हैं रत्नेश जी गुड आफ्टरनून बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बाजार में क्या होनी चाहिए गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों नमस्कार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार में कुछ कंसोलिडेशन और सेटल थोड़ा सा स्टेबिलिटी आते हुए तो उसमें जो आ, आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक उनमें थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए तो पॉली में मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखाई सिक्स नाइन हंड्रेड का कॉल ले सकते हैं के आसपास 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 280 रुपए के टारगेट आ सके जो लॉस हो सकता है 4900 का जो प्रॉफिट बन सकता है 10100 का क्या करेंगे रत्नेश जी तो पॉलीकैब 6900 की कॉल आपको 189 के आसपास मिलेगी ये खरीदने की सलाह और यहां पर लक्ष्य 280 का स्टॉप लॉस 130 के अधिकतम मुनाफा जो है वो 10100 का और नुकसान 4900 के आपको यहां पर नजर आ सकते हैं चार हजार नौ सौ तक के